नमस्कार, इलेक्शन कैफे के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज दरअसल हमारे होस्ट अश्विन नहीं है, तो उस वजह से मुझे ये होस्ट करना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं जो गेस्ट आज के बाबा हैं, आज सुमित सर हैं और विचित्र जी हैं। तो गेस्ट वही पुराने हैं, लेकिन मुद्दे नए नए हैं। राजनीति ऐसी है कि जो रोज़ हमें नए मुद्दे देती है और बात करने के लिए हमें कुछ नया मिलता रहता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य की, महाराष्ट्र। लोकसभा सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, 48 सीटें। और महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है कि वहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान, जिन्होंने अभी दो दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने उनको राज्यसभा की टिकट दे दिया। अब ये कहा जा रहा है कि अशोक चौहान, जिसके ऊपर बीजेपी तमाम तरह के आरोप लगाती थी, आदर्श घोटाले में उनका नाम लिया गया, अब बीजेपी में आने के बाद बीजेपी को आखिरकार उनकी ज़रूरत क्या पड़ी? और क्या बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा नहीं है कि वो लगातार तमाम दलों से अपना गठबंधन बढ़ाते जा रहे हैं, तमाम कांग्रेस के या दूसरे विपक्षी नेताओं को, जो बड़े नेता रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं? तो आज इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे अपने पैनल के साथ। सबसे पहले बाबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो चीज़ें हो रही हैं हाल फिलहाल में, आपने देखा कि कैसे अभी मिलिंद देवड़ा कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में चले गए, उसके बाद अब एक इसी हफ्ते जो घटना हुई है कि अशोक चौहान, जो पहले भी थोड़ा नाराज बताए जा रहे थे, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और बीजेपी ने उनको 24 घंटे के अंदर राज्यसभा की सीट दे दी। तो महाराष्ट्र की राजनीति क्या कहती है? क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है? क्या जो अभी हाल फिलहाल में जो सर्वे आए थे, जिसमें बताया गया था कि महागठबंधन को जो अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी, उसको बीजेपी एनडीए से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, ये एक चिंता का सबब है, इस वजह से ये सब हमें देखने को मिल रहा है? पुनेंदु, जैसा आपने कहा ना कि सबसे बड़ा दूसरा राज्य है यूपी के बाद, 48 सीटें हैं, तो इसलिए 48 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बात और आपने कही कि सर्वे में जो है वो एमबीए जो है वो आगे चल रहा था एनडीए से, तो प्लान तो बहुत दिनों से तैयार कर रखा था बीजेपी ने। पहले एनसीपी के दो टुकड़े किए, उसके पहले शिवसेना के दो टुकड़े किए। अभी जो खबर आई है, जब हम बातचीत कर रहे हैं, कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो है अजीत पवार के गुट के 41 विधायकों को मान्यता दे दी है, वही असली एनसीपी है। चुनाव चिन्ह भी उनके पास ही है, शरद पवार को अलग पार्टी का नाम और वो अलग चुनाव चिन्ह की बात हो रही है। अब जो स्थिति बनी है वहाँ पर, तो वहाँ पर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि यदि कोई भी सर्वे यदि उनके खिलाफ है तो क्यों ना उसको ख़त्म कर दिया जाए, उस संभावना को। तो आपने देखा कि इस बार के राज्यसभा में आपको दो कांग्रेसी चेहरे मिलेंगे देखने को, पुराने कांग्रेसी और दोनों खानदानी हैं। एक के पिता जो है वो मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, बहुत दिनों तक रहे। पूरे इंडिया में एक समय में दो ही जो है तो स्टेट कमेटी होती थी। जब संयुक्त बिहार था तो छोटा नागपुर जो है कांग्रेस कमेटी होती थी और एक मुंबई की होती थी, महाराष्ट्र की अलग होती थी, मुंबई की अपनी जो है कमेटी होती थी। उसके अध्यक्ष रहे देवरा साहब, बड़े देवरा साहब। मिलिंद देवरा को बहुत कम उम्र में सांसद बने, उनको मिनिस्टर भी बनाया गया, वो भी छोड़ के चले गए। अशोक चौहान की बात करें तो उनके पिताजी गृह मंत्री रहे उस वक्त, जब नरसिम्हा राव की सरकार में जब बाबरी टूटी थी, उसके बाद कम उम्र में ही उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। आदर्श घोटाला हुआ, बीजेपी ने बहुत हंगामा किया, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कैंडिडेचर पर सवाल उठाया था, तो उसके बाद उनको कांग्रेस उनको हटा दिया गया। अब जा करके उन्होंने राज्यसभा जो है उनको बीजेपी ने दिया है। नांदेड़ से एक और व्यक्ति है, उनको भी राज्यसभा बीजेपी ने दिया है। तो शायद उनके सर्वे में आया हुआ कि उस पट्टी में जो महाराष्ट्र की वो पट्टी है, नांदेड़ का जो इलाका है, वहाँ पर बीजेपी कमज़ोर होगी, तो उसके तहत जो है बीजेपी ने ये अपना जो है उस एरिया को मजबूत करने के लिए ये प्लान बनाया है। देखिए, अशोक चौहान का जाना हो, मुकुल रॉय का जाना हो, हेमंत बिस्व शर्मा का जाना हो, इस तरफ से उस तरफ, ये सब राजनीति है और ये पब्लिक भी समझती है। आरोप लगाना कि आप करप्ट हैं, अजीत पवार का नाम भी मैं भूल गया, सबसे बड़ा नाम तो वही था अजीत पवार की, तो 48 घंटे की बात थी कि आज 48 घंटे पहले कुछ कहा, 48 घंटे में पूरी पार्टी के तोड़ के चले गए वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें राजनीति में होती है और अब तो खुलेआम हो रही है, अब जनता भी समझ गई है। इसके बावजूद भी जनता इस मुद्दे को लेकर बीजेपी से नाराज नहीं दिखती है, ये मुझे नहीं समझ में आता क्यों। कि अगर अजीत पवार करप्ट हैं, जब उस तरफ थे और इस तरफ आ गए तो ठीक हो गए, या अशोक चौहान आदर्श नहीं थे, आदर्श अशोक चौहान नहीं थे और इधर आ गए तो आदर्श अशोक चौहान हो गए,
तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पब्लिक क्यों इसको इसको एक्सेप्ट कर ले रही है। शायद उसकी बहुत बड़ी वजह ये है पूर्णेंदु, शायद कि उनको दूसरी तरफ वो उम्मीद भी नहीं दिखती है कि अगर ये उस तरफ रहते और सुधर जाते या उस तरफ रहते तो वो लोग सुधार देते, वो उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया है। राजनीति में परसेप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये परसेप्शन बन गया है कि जो इस तरफ के लोग हैं, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे हों, राहुल गांधी रहे हों, अभिषेक बनर्जी रहे हों, तेजस्वी यादव रहे हों, ये सब के सब जो हैं ये कथित तौर पर भ्रष्ट हैं, और ये सब के सब जो हैं वो पैसा बनाते हैं, और जो उधर हैं वो सब के सब अच्छे हैं। ये इस नरेटिव को 10 साल के अंदर इतना समाज के अंदर, वोटर के अंदर फैला दिया गया है कि पब्लिक कन्विंस भी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े किसी आई ओपनर, आंखें खोल देने वाले किसी एक बड़े स्कैम के बाहर आने की, अनर्थ होने की वो है, दरकार है सरकारी पक्ष का। तब शायद वो परसेप्शन चेंज हो कि नहीं, ये लोग भी करप्ट हैं, इस सत्ता में बैठे लोग भी पैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये इस चीज़ से आप लड़ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने पिक्चर को इतना काला दिखा दिया। दूसरी तरफ करप्शन को देखने का जो वोटर्स में नज़रिया था वो बदल रहा है। मेरा ये कहना है कि करप्शन का मामला जो है वो हिंदुस्तानी आबादी के लिए, वोटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं करता है। वो न्यूज़ रूम में बैठकर, टीवी डिबेट्स में बैठकर नंबर दिखाने के लिए, आरोप लगाने के लिए, टीवी शोज को अच्छा बनाने के लिए अच्छे हो सकते हैं, पर करप्शन के मामले पर सरकारें पूरी पलट गई हों, चुनाव जीत लिए गए हों, हार गए हों, केवल एकमात्र मुद्दे पर नहीं होता, उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ती है। जैसे इस बार भी बीजेपी की जो लीड दिखाई देती है तमाम परिस्थितियों में, वो इसलिए भी दिखती है कि बीजेपी ने दूसरे पक्ष को तो करप्ट कहा ही कहा, पर अपना जो उनका अपना एजेंडा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ाना हो, मोदी के तमाम प्रोग्राम्स देश दुनिया भर में हो रहे हों, या मंदिर का बात कर लीजिए आप, जो अयोध्या का काम करके दिखा दिया, जो 370 का काम कर दिया, ये तमाम चीज़ें जो बीजेपी ने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी है, और उसमें उनका जो नरेशन है, उनका जो कन्विक्शन है अपने एजेंडे को लेकर, अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर, वो ज़्यादा कन्विंसिंग है राधा देन अपोजिशन। और इसीलिए अपोजिशन को मामला समझ में नहीं आता कि कैसे लड़े इन लोगों से। इसीलिए अगर आदर्श घोटाले के जो आरोपी थे, जिनको प्रधानमंत्री ने मन से आरोपी कहा, जिनको कुर्सी छोड़नी पड़ी उस श्वेत पत्र में, श्वेत पत्र में उसका नाम है, श्वेत पत्र में उनका नाम है, और उसके बावजूद उनको ले लिया, और कहीं से भी कोई डिसेंट की वॉइस नहीं आई, कहीं से भी नहीं आई, बीजेपी के अपने लोगों से नहीं आई जो उनके साथ काम कर रहे थे, जो उनके जिनके आने, अशोक चव्हाण के आने से मराठवाड़ा रीजन में बीजेपी का कोई ना कोई नेता तो परेशान होगा कि इतना बड़ा आदमी आ गया, इसे हमारे हिस्से की कुर्सी खा गया, उसका बयान भी नहीं आ रहा है, उसको भी लोगों ने कुछ ना कुछ तरीके से कंपनसेट कर दिया है। तो ये जो पार्टी पे पकड़ वाली जो बात है ना, वो उस तरफ ज़्यादा, मतलब बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखती है बजाय अपोजिशन के। मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, असहमति का दिन नहीं, कोई सहमति असहमति नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि देखिए, ये सारी चीज़ें इम्प्रेशन की हैं। आपका इम्प्रेशन बहुत बलवंत है, तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके बारे में लोग अच्छा अच्छा ही सोचेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हो रहा है, जिस तरह से श्वेत पत्र में नाम आना और उसके दो दिन के बाद ही इनका राज्यसभा में बीजेपी में अशोक चव्हाण का आना और राज्यसभा के लिए मनोनीत हो जाना, एक खानदानी कांग्रेस जिनके पिताजी देश के गृह मंत्री थे, प्रदेश के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े पिताजी यानी ताऊ जी उप प्रधानमंत्री थे, और महाराष्ट्र के अब तक के सबसे बड़े नेता यशवंतराव चव्हाण माने जाते हैं। शरद पवार भी उनको अपना गुरु, शरद पवार ने उनसे ही राजनीति सीखी थी, वो चले गए। तो हम सब लोगों को लगता है कि क्या बीजेपी को इससे डर नहीं लगता? भाव तो यही है ना कि आप जनता में किस मुँह से जाएंगे। डर इसलिए नहीं लगता कि इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब भी जिसको सत्ता में जनता दिल खोलकर भेजती है, वो कई बार तमाम वास्तविकताओं से आंखें बंद कर लेती है, और वह सिर्फ वही देखना चाहती है जो उसका नेता दिखाता है। जवाहरलाल नेहरू, उनके जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री कम मिलेंगे, आजकल ये सब बातें कही नहीं जाती फिर भी। और उस नेहरू ने, जिनके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था उनकी मृत्यु के बाद, वो अद्भुत शब्द थे, आज भी संसद की लाइब्रेरी में वो शब्द हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं दुष्टता और मूर्खता बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बेईमानी मुझे तीर सी चुभती है। बावजूद इसके उन्हीं की सरकार में भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे उठे, उनके दामाद ने मुद्दा उठाया, पार्टी के अंदर से मुद्दा उठा था,
उसमें यह भी कहने की गुंजाइश नहीं थी कि सब मिले हुए हैं जी, सब विरोधी हैं जी, लेकिन उससे नेहरू का इकबाल नहीं कम हुआ। नेहरू ने तो फिर भी कुछ राजनीतिक शुचिता को बनाए रखा। इंदिरा गांधी उसके बाद दूसरी नेता हुई जिनका प्रभाव निर्बाध रहा, कोई रोक टोक नहीं। एक 1977 को छोड़ दें, अभी इमरजेंसी के साय में बाकी उनके नाम पर वोट पड़ता था, इंदिरा गांधी के नाम पर। लेकिन उस इंदिरा गांधी के समय में भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी ने खुद क्या कहा था, उनका एक कथन है जो बहुत ज़्यादा मशहूर या बदनाम है कह लीजिए, कि मनुष्य जब से इस धरती पर आया है तब से भ्रष्टाचार है और जब तक रहेगा तब तक भ्रष्टाचार रहेगा, और भ्रष्टाचार एक वैश्विक अवधारणा है। इससे इंदिरा गांधी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग वोट उन्हीं को देते रहे। तो इसीलिए अगर हम आज ये सोचते हैं, अगर प्रधानमंत्री को या बीजेपी को ये लगता कि नहीं, अशोक चव्हाण के आने के बाद महाराष्ट्र की जनता कहेगी, अजीत पवार के आने के बाद महाराष्ट्र की जनता कहेगी कि अरे तुमने ये क्या कर डाला, अब किस मुंह से हम तुमको वोट देंगे, ये तो नहीं हो सकता, हम अपना वोट अरब सागर में डुबो देंगे तुमको नहीं देंगे। अगर ये ध्वनि अगर लगेगा, लगेगी बीजेपी को ये ध्वनि निकलती दिखेगी कि ऐसा है, तो यकीन मानिए एक क्या 100 अशोक चव्हाण दरवाजे पर दस्तक देंगे और दरवाज़ा बीजेपी का नहीं खुलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। और एक अभी क्या है कि जो नीतीश कुमार का जो पलटू राम वाला मामला है, वो पलटू राम से ज़्यादा सल्टू राम है, अब सट जाना जा करके। पलटू राम तो फिर इधर आ सकते हैं, आप सट गए तो जल्दी नहीं आ सकते। तो बस इस पर तो ये अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि मेरा ईमान मुझसे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया हूँ सुन्नी के साथ सुन्नी। तो पावर में बीजेपी है तो अभी भाजपा ही हैं, राम की सौगंध खा रहे हैं। जिस दिन लगेगा कि नहीं कोई दूसरा आ रहा है, उसकी भाषा बोलने लगेंगे। ये है इनकी इसके पीछे की, और कोई कारण नहीं है। अच्छा बाबा, जो ये बात हो रही है कि 2014 में विधानसभा चुनाव जब था, जहाँ तक मुझे याद है, आप करेक्ट करिएगा, कि शिवसेना और बीजेपी का सीटों के तालमेल को लेकर बात बनी नहीं थी, तो अलग अलग होकर के चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, लगभग उनका आंकड़ा बहुमत के करीब था। 105 सीटें। तो उस समय जब 2014 में बीजेपी को अपने ऊपर भरोसा था और उन्होंने चौंकाने वाला एक रिजल्ट दिया, आज क्या है कि उनको वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं जिसका वो एक तरह से विरोध करते थे? क्या मतलब मूल सवाल पर ही हम लौट रहे हैं, तो बीजेपी को क्या महाराष्ट्र में वो लीडरशिप कुछ ऐसा डेवलप नहीं कर पाए इसलिए उनको दूसरे क्षत्रपों की जरूरत पड़ रही है, तोड़फोड़ की जरूरत पड़ रही है? महाराष्ट्र की बात की तो कुछ बातें दर्शकों को बता देनी चाहिए। भले ही बीजेपी बाकी जगह बहुत बड़ी पार्टी रही, लेकिन महाराष्ट्र में कभी बड़ी पार्टी नहीं रही। हाशिए का जो विधानसभा चुनाव था वो बाबा अलग, लेकिन फिर भी वो गठबंधन के साथ ही रही, वो गठबंधन के साथ ही रही, अकेले दम पे 125 सीटें पाई थी उनको। नहीं 125 नहीं, ना ना कभी नहीं, विधानसभा में 125 नहीं, विधान या शायद पाई, वो अकेले सिंगल राजेश, सिंगल राजेश पांडे पर अकेले लड़कर, अकेले उसकी बड़ी उपलब्धि, हाँ ये थी। लेकिन वो अपने वो कभी सत्ता में नहीं रही, सत्ता में के लिए जूनियर पार्टी के रूप में रही और हमेशा शिवसेना के साथ जी 94 से 99। तो ये बीजेपी का इतिहास रहा और बहुत बड़ा लीडरशिप जो है वहाँ से उनको मिला नहीं। प्रमोद महाजन के जाने के सबसे बड़ा नाम जो हम सुनते थे, मुंडे साहब, तो एक जो है ओबीसी की राजनीति और एक जो है वो कॉरपोरेट की राजनीति, प्रमोद महाजन करते, नितिन गडकरी। 22 सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी, ठीक है। तो फिर भी जो है अकेले सरकार बनाने की 145 सीटें चाहिए होती थी, 122 अकेले उन्होंने नहीं रही, तो ये हालत रहा। तो उनको हमेशा बैसाखी की जरूरत रही। जब अघाड़ी की सरकार बनी उसके बाद वो बहुत ट्राई करते रहे और उसके बाद उन्होंने वही जो ऑपरेशन लोटस है जो उन्होंने बगल में कर्नाटक में किया था वही अपनाया और वो दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहे। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही थी, अभी भी अघाड़ी, मतलब अभी भी लोग ये मानते हैं कि भले ही शिंदे जो है एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है, जनता का भी शायद मानना हो, जो सर्वे दिखाते हैं कि उद्धव सेना जो है असली सेना है। और अभी और अब पवार के बारे में भी लोग कह रहे हैं, लेकिन 45 विधायक जो है वो ले गए हैं अजीत पवार। तो इन सब को देखते हुए वो सारे होल्स प्लग करने थे बीजेपी को, जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही थी। बिहार में दिक्कत हो रही थी, नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया। यहाँ पे दिक्कत हो रही तो अलग अलग रीजन से जो है वो लोग लेने शुरू किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तो जयंत का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन आजकल में हो ही जाएगा अनाउंसमेंट, क्योंकि थोड़ा किसान आंदोलन चल रहा है तो उसको लेकर के जयंत थोड़े ठिठके से लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बीजेपी अपना
जो मिशन जो है 2024 में जो भी जो वादा प्रधानमंत्री ने किया उस ओर बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी एक सवालिया निशान तो है कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि क्या कहीं कुछ अभी भी झिझक है क्या है। अभी भी क्या अफसोर नहीं है क्या, देखते हैं ये सिलसिला आगे कहाँ तक जाता है। अच्छा सुमित सर, आपसे ये मेरा सवाल है कि जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई 2018 में, उसके बाद अपने ज्योतिरादित्य जी नाराज होकर चले गए, उनके साथ कई विधायक गए, उन्होंने उपचुनाव हुआ, उसमें फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, कांग्रेस को फिर उसकी सिंपैथी नहीं मिली, जो एक होता है ना कि किसी की पार्टी को आप तोड़ते फोड़ते हैं बाद में उसकी उसको एक सिंपैथी मिलती है, बल्कि बीजेपी को और दो तिहाई बहुमत से ज़्यादा उनको सीटें मिली। महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर आपको क्या लगता है कि मतलब शिवसेना को और एनसीपी में जो तोड़फोड़ हुई है या कांग्रेस के भी तमाम नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो अघाड़ी को उसका कुछ सहानुभूति मिलेगी या मध्य प्रदेश वाला ही हाल होगा? और इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया तो उनका भी राज्यसभा जो है ना अब लोकसभा लड़ना पड़ जाएगा उनका। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि हर दर्शक, हर वोटर, नॉट दर्शक, हम लोग टीवी की भाषा में बात करते हैं, दर्शक याद निकलता है मुझसे, हर वोटर हर जगह की केमिस्ट्री और ज्योग्राफी बिल्कुल अलग होती है और बहुत कुछ डिपेंड करता है उस वक्त के हालात पर जब वोटिंग हो रही होती है, उस वक्त के आसपास के महीने में 15 दिनों में क्या घट रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैपिटलाइज नहीं कर पाई, ऐसा लगता था कि हमदर्दी होनी चाहिए, क्यों कैपिटलाइज नहीं कर पाई, क्योंकि जिसके हाथ से सत्ता निकली, जिसको जो कमलनाथ साहब जिसके नाम आपने लिया, उनके लिए लोगों के मन में लगाव नहीं था। उसकी बहुत बड़ी वजह, कमलनाथ कभी भी मध्य प्रदेश के नेता नहीं रहे, वो सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित होकर रह गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रहे। मध्य प्रदेश में रहते हुए भी पहले अर्जुन सिंह ने नहीं उनको वोट नहीं दिया, फिर दिग्विजय सिंह ने नहीं उनको वोट नहीं दिया, फिर दिग्विजय सिंह और इनकी जोड़ी बन गई तो ज्योतिरादित्य सिंह ने अपना अपना खेमा खोल लिया। बस मध्य प्रदेश में खेमेबाजी बहुत रही दोनों पार्टियों में, भाजपा में भी कांग्रेस में भी, वहाँ पर स्थानीय छत्रप रहे और वो दिल्ली में जिसको आशीर्वाद मिल जाता था वो वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाता था। उधर से पटवा जी, कैलाश जोशी जी बन गए, आपस तो कभी नहीं बनी जीवन में उनकी, वो मध्य प्रदेश के कहते थे मोदी वाजपेयी और अडवाणी की जोड़ी थी कि एक बनेगा तो दूसरा नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा, इस तरह की चीज़ें कही जाती है, अखबारों में पढ़ते थे, वही काम कांग्रेस में हुआ। लेकिन महाराष्ट्र अलग है, और महाराष्ट्र क्यों अलग है कि वहाँ उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे, उन्होंने महाराष्ट्र के जो 60 के दशक में मी मराठी का जब मूवमेंट शुरू किया, और वो आज भी वो वोटर जिंदा है, वो 80 साल का हो गया है, वो वोट करने जाता है, भले ही मिलेनियल्स आ गए हैं, भले ही 18 साल के बच्चे हो चुके हैं, लेकिन वो जो मराठी कल्चर जो है उसमें हमेशा से बाला साहब ठाकरे के लिए एक अलग तरीके का सम्मान है कि वो उसने हमको बाला साहब ठाकरे का नाम मतलब एम्पावर कराना, जिसको हम लोग बाहुबली कह देते हैं, जिसको हम लोग दबंगई कह देते हैं, आवाज़ दी तो उन्होंने वो मराठी अस्मिता की जो बात की वो आज भी है, और उसी उतनी इसी बात को लेकर राज ठाकरे ने अपना अस्तित्व बना के रखा हुआ है, अपने चाचा की बात को पकड़ के भतीजा बैठा हुआ है, भले इक्का दुक्का उनके विधायक जीतते हैं, चुनाव कभी जीतते नहीं है, पर उन्होंने अपना रेलेवेंस राष्ट्रीय राजनीति में बाला साहब ठाकरे का लुक वुक लेके वैसा अंदाज में जिंदा रखा है अपने आप को, जबकि उनके पास ना विधायक है ना कॉरपोरेटर बचे हुए हैं, पर वो क्योंकि वो जनरेशन जिंदा है जो बाला साहब को देखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वो महाराष्ट्र में होगा, अभी कहना जल्दबाजी होगी। अगर मैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ अपने कैफे में, और मैं फिर आज NDTV कैफे में बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अभी भी 7 महीने दूर है, और मुझे अभी भी लगता है कि उस 7 महीने के अंदर अभी महाराष्ट्र में और बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, और एक तरफ बहुत कम लोग रह जाएंगे और एक तरफ बहुत सारे लोग हो जाएंगे। बीजेपी चाहेगी कि इस बार जो है पूरी मेजोरिटी से सरकार बनाए। जो मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ, बाकी तो आप बोलिएगा इस पर अपनी राय, कि गुलाम नबी आज़ाद का बाबा जो सेंटेंस है उस पर मैं विचित्र सर से बात करने के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म हो जाएगी, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हर हफ्ते कोई ना कोई एक नेता छोड़ रहा होता है, तो उनकी बात आपको कितनी सही लगती है? एक मिनट, अच्छा इसका कितना साल रहे राज्यसभा मालूम है, और किस पार्टी ने दिया उनको राज्यसभा? चुनाव लड़ लेते जाके, अपनी पार्टी तो खड़ी कर ले पहले से, समझ गए? दिल्ली में बंगला है ना बहुत बड़ा, हाँ। वो बहुत बड़ा सवाल है, क्यों है बंगला? बिल्कुल बाबा ने ये बात सही कही। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने, जो आपने कहा कि क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी,
कांग्रेस वो एक कांग्रेस ख़त्म होगी या नहीं होगी हम तो नहीं कह सकते, और कांग्रेस हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिन नेताओं ने जो नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं, अगर उनमें अपने दम पर सामर्थ्य और शक्ति होती जीतने का, तो फिर वो खुद चुनाव जीतते आते, उनको एक राज्यसभा की दरकार नहीं होती। कोई भी नेता अगर उसको लोकसभा जीतने की उम्मीद रहे, गारंटी तो बहुत दूर की चीज़ है, तो राज्यसभा में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि लोकसभा का एक अलग ही जलवा, वो लगता है कि नहीं हम लोगों के बीच से आए हैं, ये राज्यसभा तो लगता है कि पीछे से आ गए, सेटिंग जो बाबा कुछ देर पहले आज पूछ रहे थे, सेटिंग माने जोड़ तोड़, ये बात हुई, तो इसलिए ये नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो बीजेपी अपने बल पर 122 सीटें ले आई 2014 में, उसे आज ऐसी करने की क्या ज़रूरत है? 2014 में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी, फिर भी वो 122 सीट लाए, लेकिन जब 2019 में दोनों मिलकर लड़े शिवसेना और बीजेपी, तब बीजेपी की सीटें घटकर 105 हो गई थी। तो 105 सीटें हो जाना, ये मैं इसी के जो मैं कह रहा था ना कि उस वक्त का माहौल बहुत डिपेंड करता है, उस वक्त मोदी की हवा चल रही थी, याद करिए मोदी मई का चुनाव जीत कर आए थे और 30 साल के बाद की कोई एक सरकार बनी थी दिल्ली में जो अपने दम पर पूरी 273 का नंबर लेकर आई थी, वो मूड में उसी के 3 महीने बाद मूड हुआ था। एक चीज आपने चूंकि उसका जिक्र किया 14 का, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो 13 में जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो कांग्रेस के समर्थन से 49 दिन की सरकार थी, ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन बीजेपी अगर 14 के बाद जब मोदी चुन के आए उसके तुरंत 2-3 महीने के अंदर चुनाव कराती तो उस समय बीजेपी की सरकार बनती, लेकिन उन्होंने चुनाव को बहुत लंबे समय तक टाले रहा, इसलिए आम आदमी पार्टी को फिर से खड़ा होने का मौका मिला। बीजेपी के तमाम लोग ये मानते कि वो हमारी गलती थी चुनाव देर से कराना, ये हो सकता है, ये अलग अलग व्याख्याएं हैं, अब ये कहना मुश्किल है कि क्या होता है उस समय। सिद्धू बोलता है ना, मेरी चाची की मुझे होती तो चाचा होता बिल्कुल। लेकिन बीजेपी को ये लग गया कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो एक इनको देवेंद्र फडणवीस को लेकर के माहौल बना था कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, लगा कि ये तुकबंदी तो अच्छी है लेकिन ये तुकबंदी जमीन पर नहीं उतर रही है, नहीं तो जैसे बिहार में 2010 में बीजेपी और नीतीश का जो गठबंधन था उसमें नीतीश वो गठबंधन एक साथ मिला तो उस समय बीजेपी ने अपने बल पर 90 से ज़्यादा सीटें जीती थी और 112 या 13 सीटें नीतीश कुमार जीते थे, तभी तो बाहर होकर के भी सरकार बना ली है, 10-12 ही विधायकों की ज़रूरत थी, लेकिन ये चीज़ इनके साथ नहीं हुआ। और ये तब हुआ जबकि 2019 का विधानसभा का चुनाव एक दम से सिर्फ एक ही विपक्ष का नेता लड़ा, वो शरद पवार लड़े और कांग्रेस बिल्कुल नहीं लड़ी थी। कांग्रेस की स्थिति ये थी कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद, मैं फिर कहूँगा तो आप कहेंगे कि मैं कांग्रेस पर हार्श हो रहा हूँ, मैं हार्श नहीं हो रहा हूँ, कांग्रेस 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने बहुत बचकाने तरीके से अध्यक्ष पद छोड़ करके एकदम किनारे हो लिए, पार्टी का कोई माई बाप नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था और विदर्भ में सूखा पड़ा था, बावजूद इसके लोगों ने कांग्रेस को 44 सीटें दे दी थी। अगर कांग्रेस राहुल गांधी जो आज पदयात्रा कर रहे हैं उसमें विदर्भ में घूम गए होते तो शायद कांग्रेस 64 सीटें भी पाई होती। तो मेरे कहने का बस इतना है कि वो पुरानी चीज़ों को बनाए रखने के लिए ऐसा कि पुरानी चीज़ें 2019 न दोहराया जाए, हम गारंटी के साथ जीत कर आएँ और इन छोटी छोटी पार्टियों को कुछ सीटें दे करके बीजेपी अपने बल पर आ जाए, बाकी उसके बाद सबका उपाय देखा जाएगा। कांग्रेस को कितनी भी सीटें दे दीजिए बाद में तो टूट के इधर उधर ही जाना है। बाबा एक आखिरी सवाल बस संक्षिप्त टिप्पणी करके, अच्छा मेरा समय हो गया, आप दोनों कंटिन्यू तो एक बस एक आखिरी सवाल बाबा करके आप जाइएगा, तो चूंकि उनका शो है इसलिए उनको जाना पड़ेगा, कि बीजेपी जो गठबंधन को लेकर जिस तरह से लचीला रुख अपना रही है, वो नए गठबंधन कर रही है, अपने सीट शेयरिंग कर रही है, चाहे वो बिहार में अब वो जेडीयू के साथ करेगी, यहाँ भी 3-4 पार्टियाँ उसकी, बीजेपी खुद है, एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट, इसके अलावा भी कांग्रेस के कुछ और नेता वहाँ पे, दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए भी उसने जगह बना के रखी है, क्या जबकि बीजेपी एक फ्रंट फुट पे है, सर्वेज को अगर हम एक हद तक इशारा माने उसको तो बीजेपी बेहतर स्थिति में आज के चुनाव में काफ़ी हद तक, उसके बाद भी वो ज़्यादा लचीली दिख रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन उसकी सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत का अभी तक किसी भी राज्य से कोई ऐलान अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि अगले महीने मतलब मुश्किल से 10-15 दिन में आपका इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगी, तो बस एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। इसके दो पहलू हैं, एक पहलू है क्या बीजेपी नर्वस है क्या, जो हर किसी को अपने साथ ले रही है,
इसकी एक ये व्याख्या हमेशा उठाते हैं जो मैं वो ये सवाल है, मैं है, क्या ये सवाल है, बहुत लोग उठाते हैं। दूसरी बात होता है ना कि बोलते हैं कि जीत के साहब हर कोई माए बाप होते हैं, हार अनाथ होती है। तो आज आपके पास वो अंटी में माल नहीं है तो आपका कोई दोस्त नहीं है। कभी आप भी गरीबी में रहेंगे तो देखेंगे सारा दोस्त भाग जाएगा, और जब आपके पास माल रहेगा तो सारे दोस्त साथ रहेंगे। ये बात राजनीति पे भी लागू होती है। देखिए इसमें ये बिल्कुल बाबा ने सही कहा कि बीजेपी नर्वस तो मैंने मुझे लगता है कि नहीं है या और मैं तो एक तंज हाँ क्या बिल्कुल है? असल चीज़ मुझे लग रहा है ना कि आपने ही सवाल में कहा है कि बीजेपी बेहतर कर सकती है, लेकिन बेहतर से आगे एक उसका सुपरलेटिव डिग्री आता है बेहतरीन। तो हमको ये लग रहा है कि ये क्या होगा, हर आदमी आगे ये दिल मांगे मोर, मैंने कहा था मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। भाई 282 बीजेपी को वही बहुत बड़ी चीज़ थी, तो 282 मिले तो 303 आ गए, तो आदमी तो आगे चाहता है ना, 370 तो 370। मैंने इनकी ये अब प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई पद नहीं है, तो अब प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री बने रहना महत्वपूर्ण नहीं है, यह है कि हमारा जो हमारी शक्ति है जो सांसदों के द्वारा ही निर्धारित होती है वो और बढ़े। तो उसके बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष को खोखला करो और अपने को और शक्तिशाली करो, सामान्य सा फंडा यही दिखता है। तो जैसा कि विचित्र जी ने कहा कि बीजेपी अपने लक्ष्य को और बढ़ाना चाहती है, जो उनका मिशन 370 और गठबंधन के साथ 400 प्लस सीटों के लिए शायद वो विपक्ष को खोखला कर रहे हैं और तमाम नेताओं के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। तो इसी चर्चा के साथ आज के आपने ईडी का तो बात ही नहीं किया, कभी और करेंगे उस पे करेंगे, उस पे भी आएंगे, ईडी और सीबीआई और आईटी पे भी आएंगे, तो उस पे एक अलग अलग शो होगा। तो आज के इलेक्शन कैफे के अंक में बस इतना ही, कल हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर चर्चा में शामिल होंगे। धन्यवाद।